पनीर की सब्जी है, ग्रेवी पनीर होता है, न्यूट्री बनी हुई है, न्यूट्री है, पनीर पाक है, पैसे बनाने हैं, ये मसाले हैं हमारे, ये होम मेड का मसाला बनाया हुआ है, चाँप है जी, ग्रेवी चाँप है, इसमें पनीर डाल के धनिया पा के इसको ग्रेवी पनीर लगा देते हैं। क्या बात है, गुड। हाँ नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल, दिस इज रिवान बत्रा, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रिवान बत्रा पर। आज हम आपको खिलाने लग रहे हैं जी चार तरह के न्यूट्री कुलचे। एक है जी न्यूट्री कुलचा, चाम कुलचा, पनीर कुलचा, चना मसाला कुलचा। अगर इतनी वैरायटी में आपको कुलचे खाने हैं और आप खाने के शौकीन हैं तो आपको आना पड़ेगा जी इस दुकान पे, ये जो है बालाजी मंदिर के बिल्कुल अपोजिट, और इस जगह को कहते हैं शेखा बाजार, जो जलंधर की तंग गलियों में स्थित है। तो आइए अंकल से मुलाकात करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं इस स्पेशल न्यूट्री कुलचे की। चलिए हमारे साथ। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? राकेश कुमार जी। अंकल आपके पास क्या कौन कौन सी वैरायटी मिलती है खाने के लिए? मैं यहाँ पे न्यूट्री कुलचा, चाम कुलचा, पनीर कुलचा, चना मसाला कुलचा और भोजन थाली भी दे रहा हूँ, राजमा चावल, कढ़ी चावल, ठीक है, छोले चावल, मिर्ची चावल, जी जी, 15-16 आइटम होती है मेरे पास। ओके ओके। अंकल आपको कितना टाइम हो गया शॉप रन करते हुए? मैं वैसे तो जो मैंने ढाबा करता था वो तो 35 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे 4 साल हो गए। 4 साल यहाँ पे हो गए, ठीक है ठीक है। और टाइमिंग्स क्या रहती है अंकल आपकी? मेरी सुबह टाइम 10 से 4 बजे तक। छुट्टी वगैरह कोई? छुट्टी कोई नहीं। 365 के 365 दिन। और हमारे लिए ना एक मिक्स प्लेट लगा दो, उसमें आप सारी थोड़ी सारी सब्जियाँ डाल दो ताकि हम एक साथ उसका रिव्यू दे पाए। ठीक है सर। ये चाँप है जी, ग्रेवी चाँप है, इसको तवे पे फ्राई करके देते हैं कुलचे के साथ। ओके। ये पनीर की सब्जी है, ग्रेवी पनीर होता है, पनीर के पीसेस अंकल काफी बड़े आपने डाल रखे हैं। हाँ जी, ये ग्रेवी पनीर होता है, ये भी कुलचे के साथ चलता है, और ये न्यूट्री हमारी, न्यूट्री बनी हुई है, ये भी कुलचे के साथ चलती है। बाकी लोगों की पसंद होती है, मिक्स वेज के साथ भी कुलचा खाते हैं। okay, okay. ये मिक्स वेज भी बनाई हुई है मैंने। क्या बात है। ये दाल माँ की है, माँ मखनी दाल है, भोजन थाली होती है हमारे पास। जी जी, 40 रुपए में भोजन थाली भी। अच्छा, उसमें सब्जी कितनी सब्जी देते हो अंकल आप भोजन थाली? मिक्स सब्जी होती है, दाल फ्राई होती है, और 4 रोटी सलाद होता है। ठीक है। और सब्जी वगैरह को रिफिल करवाना चाहे तो उसको डाल देते हो ना? डाल देते हैं, ज्यादा आपको खिलाते, ज्यादा खाना है। बाकी राजमा चावल होते हैं मेरे पास। ठीक है जी, राजमा चावल भी होते हैं, कढ़ी चावल होते हैं। ओके। चने बनाए होते, ग्रेवी वाले चने होते हैं। अच्छा, ठीक है जी। और चावल होते हैं या सलाद वगैरह होता है? सैलड में क्या क्या होता है? सलाद में खीरा प्याज और ये गाजर, नींबू का अचार, साथ चटनी होती है। अच्छा। तवा रोटी होती है। अच्छा, तवा रोटी होती है। और कुलचे आप फिर वो तवे पे गर्म करते हैं? तो मक्खन लगा के करते हो? विदाउट मक्खन आप बोले तो मक्खन लगा देते हैं, नहीं तो मक्खन। ठीक है, हेल्दी हेल्दी इज लाइफ। ग्रेवी पनीर है जी, ये ग्रेवी पनीर, ये न्यूट्री है, इसमें पनीर पाक है और स्पाइसी बनाने के लिए ये मसाले हैं हमारे, ये होम मेड का मसाला बनाया हुआ, घर का मसाला है। अच्छा, घर से। ये न्यूट्री है, ये चाँप है जी, ग्रेवी चाँप है। अच्छा। धनिया पत्ता होता है, शिमला मिर्च प्याज होता है, छोले पनीर भी है हमारे पास जी, ये भी चलता है इसी के साथ। ओके। इसी के साथ होता है जी, इसमें पनीर डाल के धनिया पाके ये चना पनीर हो जाती है, ये चना पनीर है। कुलचे अंकल अपने को विदाउट बटर ही देना, ठीक है। ये कुलचे होते हैं, ग्रेवी पनीर लगा देते हैं। क्या बात है, गुड। ग्रेवी पनीर लगा के धनिया पत्ती डाल के मसाला डाल के हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी।
लो सर। ये लगी अपनी प्लेट। तो जी अब बारी है रिव्यू की बारी आ चुकी है, तो हम आपको बता देते हैं खाने में क्या क्या है। खाने में क्योंकि बहुत कुछ है खाने में अपने पास है जी। पनीर, ये देखिए पनीर की सब्जी और ग्रेवी देखिए इसकी कितनी ही ज़्यादा लाल, कितनी ज़बरदस्त है। ऐसी तो शादियों में भी ग्रेवी नहीं होती जितनी ग्रेवी इनकी ठीक है। उसके साथ अपने पास है जी ये न्यूट्री, और न्यूट्री में भी अंकल ने पनीर डाला है, हर एक चीज़ में पनीर डाला है, मतलब पनीर 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 ही हो रखी है यहाँ पे। और ये देखिए आप न्यूट्री पनीर है ये देखिए, और बिल्कुल ये जो सूखी सब्जी होती है ना न्यूट्री की, ये वो वाली है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ अपने पास है जी ये चांप, ये है चांप की सब्जी, बिल्कुल आप देख सकते हो चांप के बीच में इन्होंने शिमला मिर्च डाल रखे हैं, धनिया डाल रखा है, मतलब। और ग्रेवी जो है ना वह को सबकी ही थिक मिलेगी। और इसके अलावा लास्ट में अपने पास एक और सब्जी, अभी चार चार सब्जियां हमने कहा अंकल थोड़ी थोड़ी डाल दो, हम सभी टेस्ट करेंगे थोड़ी थोड़ी कर लेंगे। और ये अपने पास है जी छोले और पनीर की सब्जी, ये देखिए। और साथ में अपने पास है पनीर की ग्रेवी में लगे हुए दो कुलचे, देखो आप कुलचे बहुत अच्छे से अंकल ने उसको धनिया भी लगाया, और ये देखिए आप पनीर की ग्रेवी बिल्कुल उसके बीच में डूब चुके। तो ये जी हम फर्स्ट बाइट लेने लगे, आप देख सकते हो पूरा जो कुलचा है भीगा हुआ पनीर की ग्रेवी में। सबसे पहले हम लेंगे जी ये पनीर की सब्जी, इसकी ग्रेवी आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा ही खतरनाक वाली है, मतलब हार्ड जिसको कहते हैं एकदम ग्रेवी। और ऊपर से हम डालेंगे जी ये न्यूट्री, न्यूट्री के ऊपर डालेंगे जी हम ये चांप, और चांप के ऊपर डालेंगे हम चने और पनीर की सब्जी, क्या बात है। और ये सीधा जो खतरनाक स्वाद आया ना, ये दो कुलचे अगर आपने खा लिए किसी सब्जी के साथ ले लो, तो फिर भाई इसके बाद नहीं कुछ खाओ ना, फिर आप भूल जाओ, ये खा लिया तो हो गया बस फिनिश। इतना मतलब ज़्यादा ये सेटिस्फाई है क्योंकि इससे पेट ही भर जाएगा। और सबसे पहले स्वाद, जो सब्जियां वो देख सकते हो कितनी ही ज़्यादा जबरदस्त बना रखी है, हर एक सब्जी में इन्होंने पनीर भी डाला हुआ है, शिमला मिर्च भी डाली और धनिया भी डाला है। अब इतना सारा खाना खाना है तो फटाफट खा लेते हैं, क्योंकि लग रही है जी भूख, सुबह का कुछ खाया भी नहीं है ढंग से, तो मिलते हैं आपको खाने के बाद। तो ये था जी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जी के साथ, अलग अलग तरह की सब्जियों के साथ कुलचे, आप देख सकते हैं न्यूट्री कुलचा, चांप कुलचा, पनीर कुलचा और चना मसाला कुलचा, जो हमने आपको एक साथ रिव्यू दे दिया। तो आई होप आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा प्लीज यू लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल निर्वाण बत्रा। मिलते हैं फिर किसी नए नॉलेज फूड या ट्रैवल ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शबा खैर।